सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहां पे बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मन में सवाल रहा है कि स्केचवेयर स्टूडियो यूज करने में बेटर रहेगा कि यहाँ पे AIDE जो जावा पे काम करता है वो वाली एप्लीकेशन बेटर रहेगा। गाइस हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंड्रॉयड फोन से कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये दोनों एप्लीकेशन जो है बेटर रहेंगे गाइस। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, पूरी जानकारी के साथ जानेंगे कि कौन सा यूज करेंगे तो कब हमारा जो है फीचर तक काम आएगा और कौन सा यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे हमेशा ये सवाल रहा है गाइस, हर डेवलपर के मन में एक सवाल आया होगा जो कि इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। तो चलिए बिना टाइम गाइस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे AIDE को अगर आप यूज करते हैं तो वो बेटर रहता है अदर देन आपका स्केचवेयर स्टूडियो या स्केचवेयर गाइस। तो यहाँ पे जो अब का पहले का जो अपडेट था गाइस मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे पहले का जो स्केचवेयर की बात कर रहे हैं तो पहले का जो स्केचवेयर में अपडेट था वो था गाइस कि आप कुछ ही लिमिटेड फीचर्स को यूज कर पाते थे स्केचवेयर में गाइस। लेकिन यहाँ पे जो एडवांस वर्जन जो मोडर्स जो है उसमें जो भी फीचर्स ऐड किए हैं उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्केचवेयर स्टूडियो को यूज करते हैं तो इजिली आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। हाँ हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आता है गाइस, लेकिन आप स्केचवेयर स्टूडियो का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इजिली जो है कोई भी फीचर्स को मैक्सिमम फीचर्स को आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन में गाइस। लेकिन यहाँ पे अगर आप AIDE को यूज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे कोडिंग करना पड़ेगा। लेकिन आप स्केचवेयर की बात करें उसके तुलना में बात किया जाए तो AIDE जो है बेटर रहेगा गाइस। अगर AIDE में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो यहाँ पे AIDE में आपका बेटर रहेगा। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कभी भी स्विच करना चाहेंगे, अगर इंपोर्ट करना चाहें तो आप इजिली कर सकेंगे गाइस। यहाँ पे स्केचवेयर स्टूडियो की बात किया जाए तो वो भी आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को ज्यादा आपको झेलना पड़ेगा यहाँ पे अगर स्केचवेयर स्टूडियो में अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो गाइस। लेकिन मेरा आपका सजेशन रहेगा, अगर आपको कोडिंग नहीं आता, थोड़ा सा भी कोडिंग नहीं आता, तो आप इजिली जो है स्केचवेयर स्टूडियो को यूज कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आपको स्केचवेयर स्टूडियो में अभी जो फीचर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से API लेवल चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेडल फाइल को और यहाँ पे अपने हिसाब से फीचर्स को एड कर सकते हैं गाइस जो कि स्केचवेयर स्टूडियो में दिया गया है। और भी यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं गाइस जो कि यहाँ पे एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेगा तो आप स्केचवेयर स्टूडियो को यूज कर सकते हैं बेझिझक गाइस। मैं भी यहाँ पे स्केचवेयर स्टूडियो में जितने भी एप्लीकेशन मैक्सिमम एप्लीकेशन जो भी प्ले स्टोर पे पब्लिश किया हूँ वो मैं जो है स्केचवेयर स्टूडियो से ही बनाया हूँ गाइस। तो आप बेझिझक जो है स्केचवेयर स्टूडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्केचवेयर स्टूडियो की बात किया जाए तो आपको एडवांस फीचर्स तो मिलेगा ही और स्केचवेयर ओरिजिनल की बात किया जाए तो गाइस यहाँ पे जो है 2022 में यहाँ पे अपडेट आएगा तो देखते हैं कि कब तक अपडेट इसका मिलता है। लेकिन स्केचवेयर स्टूडियो का भी प्रोजेक्ट आप AIDE में कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्केचवेयर स्टूडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए गाइस। उसके बाद अगर यहाँ पे AIDE की बात किया जाए तो AIDE को भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे एडवांस, अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो आप AIDE को इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं दो सवाल यहाँ पे मैं दोनों के बारे में बताया हूँ गाइस डिस्कशन करके। मैं आपको बता दूं मेरे अकॉर्डिंग मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है गाइस मैं आपको बता दूं कि आप स्केचवेयर अगर आपको कोडिंग थोड़ा सा भी नहीं आता तो आप स्केचवेयर स्टूडियो को प्रेफर करें गाइस, और अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो आप स्केचवेयर को ना यूज करते हुए आपको यूज करना है AIDE को गाइस। तो आपको ध्यान देना, अगर आपको कोडिंग आना आता है थोड़ा बहुत तो आप AIDE को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको कोडिंग नहीं आता, थोड़ा सा भी कोडिंग नहीं आता, तो आप स्केचवेयर स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही बेटर हैं गाइस, दोनों में ही फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बंडल की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है अभी अपडेट्स आने वाले हैं
स्केचवेयर स्टूडियो में या यहाँ पे जो मोडर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेझिझक जो है वर्क कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे बात रहा ये फाइनली गाइस कि अगर आपको कोडिंग आता है, मतलब कोडिंग आता है तो आप जो है AIDE को इस्तेमाल करें, और अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो आप स्केचवेयर स्टूडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिंग की बात किया जाए तो 90% AIDE को रहा, और आपका यहाँ पे 70% स्केचवेयर स्टूडियो का रेटिंग है गाइस। तो ध्यान रहे, आपको जो भी यूज करना है, जो भी इस्तेमाल करना है, आप बेझिझक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।